पर और है ना एक नंबर मस्त भी लग रहा है ये चीज के अंदर, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। अब इसके ना रेट वगैरह की बात करें तो भाई रेट वगैरह की इसकी बात। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ भाई, मेरे पास है टैंक बैग जो कि अपनी ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर काम आता है भाई, मेनली जो अपन यूज़ करते हैं ट्रैवलर मोटोब्लॉगर जो होते हैं। तो भाई आज अपने पास रहने वाला है फ्लिपकार्ट की तरफ से ये है भाई बैग है मेरे पास, कंपनी वगैरह सारी डिटेल देने वाला हूँ तुमको, कितने का पड़ा, क्या क्या पड़ा, कितने लीटर का, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इंस्टॉलेशन के साथ साथ तुमको मैं ना पूरी डिटेल बता दूंगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। और ये भाई यूनिवर्सल है, कोई भी ना एक बाइक के लिए फिक्स नहीं है भाई, इस बाइक के लिए फिक्स है, इस बाइक के अंदर लावा नहीं लगेगा, किसी बाइक में लग सकता है, तुम किसी बाइक में यूज़ करते हो, तुम्हारा स्प्लेंडर है, कोई सी बाइक, मतलब तुम्हारे पास अच्छी बाइक है, RS 200 ऐसे कुछ बाइक है तो उसके अंदर तुम आराम से यूज़ करते हो, इजी टू इंस्टॉल है और इजी टू रिमूव है इसको। तो अपन जल्दी इसको अनबॉक्स करते हैं भाई, वैसे मैंने इसको अनबॉक्स कर रखा है बट फिर भाई तुमको तुम्हारे सामने अनबॉक्स करता हूँ। भाई ये रहने वाले अपने पास बैग और तुम इसकी क्वालिटी वगैरह भाई देख सकते हो भाई, यहाँ पे इसके अंदर रबर वगैरह लगा हुआ है जिससे तुम्हारे टैंक पे स्क्रैच वगैरह ना हो। और भाई यहाँ पे ना तुम्हारे नेविगेशन के लिए भी भाई यहाँ पे ना इसको खाली छोड़ रखा है, जिससे अगर तुम ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर जाते हो तुम इसके अंदर नेविगेट कर सकते हो। और भाई यहाँ पे इसके स्ट्रैप वगैरह है, ये वाली साइड से इसके स्ट्रैप बांधने वाले हैं और ये वाली साइड से इसका स्ट्रैप लगाने वाला है, तो ये तुम्हारे और यहाँ पे है ना इसकी बैजिंग वगैरह दे सकती है। और तुम क्वालिटी वगैरह देख सकते हो भाई, तुम आराम से इसकी है ना चैन वगैरह भी है ना बहुत मस्त है, कोई भी इसके अंदर ऐसी दिक्कत वगैरह नहीं है, तुम आराम देख सकते हो, मतलब क्वालिटी भी है ना बहुत अच्छी है इस बैग की। और है ना और यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छी दे रही है इस बाइक के अंदर, इसके अंदर बैग के अंदर। और मैं तो इसको ओपन करके दिखाता हूँ, हर जगह दो चैन है इसकी भाई, इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो अंदर से इसका ये है भाई, अंदर इसके अंदर कवर आएगा, तुम्हारे अंदर रेन कवर मिलेगा इसके अंदर, ये सबसे बेस्ट है। और अगर तुम भी है ना कुछ भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखते हो ना इस बैग के अंदर, तुम आराम से रख सकते हो भाई, यहाँ पर लॉक वगैरह सिस्टम भी है, यहाँ पर साइड में चीज़ें रखने के लिए भी है, सब कुछ है भाई यहाँ पे। अगर तुम देखोगे ना ए टू जेड चीज़ें यहाँ पे भी है ना जगह है यहाँ पे रखने के लिए, और यहाँ पे भी है ना बिल्कुल जगह है, मतलब तुम इसको मैं आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर तुमको लो कॉस्ट और तुम इसकी प्राइस बताऊंगा ना तुम शॉक हो जाओगे भाई, मतलब बहुत कम प्राइस के अंदर बहुत सही चीज़ है भाई ये, मतलब मैंने जो यूज़ किया। और इसका रेन कवर है भाई ये, और इसका रेन कवर भाई बहुत सही है, मतलब स्टिक होने वाला है भाई यहाँ पे, ऐसे कैसे स्टिक हो जाता है और तुम देख लो बिल्कुल परफेक्ट स्टिक हो रहा है, ये स्टिक वाला है ये, और ये भी बेस्ट चीज़ है भाई इसके अंदर। तो इसको अपन इंस्टॉल करेंगे, उससे पहले मैं ना तुमको इसकी क्वालिटी वगैरह बता देता हूँ भाई। तो क्वालिटी वगैरह के अंदर है ना कोई भी खराबी नहीं है भाई, क्वालिटी एक नंबर है। और यहाँ पे तुम अगर इसके अंदर फ़ोन रखना चाहो तो तुम्हें ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से फ़ोन वगैरह रख सकते हो। तो इसको लगाना बस सिंपल से ऐसे है भाई, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ये तुम्हारे बैग पे ऐसे लगेगा भाई, इसके अंदर तुम आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, इसकी बैजिंग वगैरह यहाँ पे दे रखी है भाई सब कुछ। इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से तुमको स्ट्रैप लगाना, इधर की साइड से स्ट्रैप लगाना है अपने यहाँ पे, और यहाँ पे जो दोनों थ्रेड है भाई इसको ना अपने यहाँ पे बांध देना, जिससे कि ना ये यहाँ पे लगा रहा है अपनी जगह पे। इस स्ट्रैप को थोड़ा सा ना तुमको वो करना पड़ेगा भाई, आगे पीछे करना पड़ेगा तुम्हारी बाइक के हिसाब से, जैसे तुम्हारे पास बाइक है उसके हिसाब से। जैसे मेरी का ये थोड़ा जो फेयरिंग वगैरह ये थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मेरे को ना थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा, बाकी है मतलब कि ईजी टू मूव है और ईजी टू रिमूव है सब कुछ, मतलब कि आराम से इसको ना खुद भी यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी वो नहीं है। तो मैं इसको ना इंस्टॉल करके दिखाता हूँ भाई, देखो। तो यहाँ से इसको डालना स्ट्रैप को, इधर से मैंने डाला स्ट्रैप को और मैं ना दूसरी साइड से स्ट्रैप को निकाल लूँगा भाई। तो ये दूसरी साइड थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तुम्हें फर्स्ट टाइम में, बाकी फिर तुम भाई सीख जाओगे धीरे धीरे इसको इंस्टॉल करने का। तो ये अपन ने यहाँ से स्ट्रैप निकाल लिया इसका भाई, थोड़ा सा वायरिंग वगैरह का भी ध्यान रखना है भाई, क्योंकि वायरिंग के अंदर से बीच में से होता हुआ आएगा ये चीज़। तो यहाँ से ये निकल चुकी है चीज़, यहाँ से ये ऐसे घुमा के लेके आनी भाई तुमको, ये ऐसे घुमा के लिया। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो, तुम देखोगे ना यहाँ पे इसका लॉक है भाई, तो यहाँ पे तुम इस लॉक को ऐसे कैसे लगा दिया, ये लॉक लगा दिया मैंने, अब कुछ नहीं करना, ये बैग यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। अभी ये जो दोनों थ्रेड है ना भाई यहाँ पे ना अपने को बांध दे रही, जैसे तुम्हारे पास ये बाइक है, जो कोई सी बाइक है ना भाई तुम इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसके अंदर, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया भाई। तो यहाँ पे तुमने इसको बांध दिया और यहाँ पे ना इसको ऐसे कैसे घुमा के ऐसे कैसे इसको यहाँ पे रख दिया, ये चीज़ यहाँ से हो गई। और ये चीज़ सेम है ना अपने को यहाँ पे रिपीट करनी है भाई, जैसे यहाँ पे ये हो गया, इसको सेंटर में लेके आना है और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे करी ना इसी को भाई यहाँ पे रिपीट करना है। और रिपीट करने के बाद ना ये तुम्हारा बैग है, ये ना फुल्ली फाइनल है ना, इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी तो मैंने इसकी क्वालिटी वगैरह देख लो भाई, आराम से मतलब कि इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है अगर तुम इसको इंस्टॉल करना चाहो तो। मैंने ना 2 सेकंड के अंदर ना इसको इंस्टॉल कर लिया, अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है भाई। अब है ना तुम आराम से राइड वगैरह भी करोगे तो इसके अंदर ना कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और कोई इतना बड़ा बैग भी नहीं है भाई, देखो अब है ना बिल्कुल आराम से यूज़ कर लो। इसके अंदर तुम भी कुछ भी है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखना है तो तुम इसके अंदर आराम से रख सकते हो, जैसे ये है बैग तो मेरे को इसके अंदर कुछ रखना है तो आराम से इसको ओपन किया यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे भी तुमको है ना सब कुछ मिल जाता है इसके अंदर, 2-3 जगह चैन मिलती है भाई, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें अगर तुम इसको यूज़ कर राइडिंग के थ्रू, मतलब कि फ़ोन वगैरह है, तुम्हारे लैपटॉप के चार्जर है, आईफोन के चार्जर से, तो तुम इसको आराम से अपना वॉलेट वगैरह आराम से इसके अंदर रख सकते हो। तो अब तुम देख लो भाई आराम से ना इंस्टॉल हो गया, 2 मिनट की वीडियो के अंदर ना ये चीज़ आराम से, 2 मिनट के भी नहीं लगे होंगे भाई आराम से, मतलब कि इतना वो था, इजी टू मूव था और इजी टू रिमूव है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे तो मैंने उसको देख सकते हो भाई, मतलब कि ना बिल्कुल फाइन टचिंग आ रही है इसके अंदर। अब मैं तुमको क्लोज से दिखाता हूँ भाई ये चीज़, अब तुम क्लोज से देख लो भाई क्या मतलब कि वो आ रहा है, लुक आ रहा है इसका, तेको तगड़ा लुक आ रहा है इस बाइक के ऊपर, और ना एक नंबर मस्त भी लग रहा है ये चीज़ के अंदर, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। अब इसके ना रेट वगैरह की बात करें तो भाई रेट वगैरह की इसकी बात करें तो ये पड़ता है अपने को
₹500 का पड़ता है भाई। मैंने इसको है ना उसके अंदर ऑर्डर किया था भाई, सेल के अंदर ऑर्डर किया था। अगर तुम नॉर्मली ऑर्डर करते हो ना इसको तो ये तुमको ना अप्रोक्स 8-850 है ना, 700-800 रुपये का पड़ेगा भाई ये। लेकिन ना तुम देख सकते हो मतलब कि इस क्वालिटी ना इतनी अच्छी है, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई ये, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई अगर तुम भी आना इसको यूज़ करना चाहो ना तो मैं आराम से यूज़ कर सकते हो। जैसे ये है अभी बिल्कुल परफेक्ट फिट हो चुका है, तो यहाँ पे भी तुमको ना चैन वगैरह मिल जाती है इसके अंदर, हर जगह चैन वगैरह मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आई। देखो यहाँ पे चैन है ना, यहाँ पे सामान रखने के लिए है, यहाँ पे सामान रखने के लिए है, यहाँ पे लॉक सिस्टम है, सब कुछ इस बैग के अंदर, मतलब ऑल इन वन है। इसको तुम परमानेंट भी अगर तुम इंस्टॉल करना चाहो ना अपने बाइक के अंदर तो आराम से कर सकते हो, वाइल्ड राइडिंग और ऐसे नॉर्मली भी, क्योंकि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई। मैंने जैसे भी बाइक पर बैठा मैं और बाइक भी मैंने हटाया इसको तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी भाई इसके अंदर। अब तुम इससे ज़्यादा अगर बड़ा ऑर्डर करना चाहते हो तुम वो भी कर सकते हो भाई। वो आठ लीटर का है तो वो अपने को है ना अप्रॉक्स 9-10 लीटर का पड़ेगा और वो है ना ₹1000 के आसपास जाएगा। अगर तुमको 15 या 20 लीटर का चाहिए तो वो भाई तुमको पड़ेगा 1500-1600 का पड़ेगा। तो ये इतना सा डिफरेंस आता है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन भाई वैल्यू फॉर मनी है, तुमको मज़ा आएगा इस चीज़ के अंदर भाई, क्योंकि है ना ये इन्वेस्टमेंट जो है ना तुम्हारा हमेशा काम आता है ऑल टाइम, क्योंकि ये तुम्हारे इक्विपमेंट्स रख लेगा कि अगर तुम राइड करते हो, जैसे मैं राइड करता हूँ तो ये सब चीज़ इसलिए काम आती है भाई। तुम है ना अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी, छोटी छोटी चीज़ जो अपने फोन के अंदर जो राइडिंग के काम में वॉलेट वगैरह काम आता है, जैसे तुमको पे करना है फोन काम आते हैं, लैपटॉप का चार्जर, फोन का चार्जर, तो तुम इसके अंदर आराम से रख सकते हो। इसलिए है ना ये चीज़ मैंने यूज़ करी और इसलिए है ना मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो मैं होप करता हूँ तुमको वीडियो वगैरह होगी मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, वीडियो को लाइक करना है और अगर चैनल पे तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं पहले वीडियो तक के लिए, बाय बाय, स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो।